प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापे मारे हैं। ये जानकारी मिलने पर पीएफआई एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में लगा है। एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बिहार के मोतिहारी और दरभंगा में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। मोतिहारी के चकिया अनुमंडल के कुआवा गाँव में सज्जाद अंसारी के घर सुबह एनआईए की टीम ने छापे की कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि एनआईए ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापे की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों इसी इलाके से गिरफ्तार शख्स इरशाद ने निशानदेही करके छापे की कार्रवाई शुरू करवाई थी। वहीं दरभंगा एनआईए की टीम दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार स्थित डेंटिस्ट डॉक्टर सारिक रजा तथा सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गाँव निवासी मोहम्मद महबूब के घर छापे की कार्रवाई कर रही है। सुबह लगभग 4 बजे से एनआईए की कार्रवाई चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई संगठन से जुड़े मामले में चल रही छापेमारी इसी तरह यूपी एमपी समेत अन्य राज्यों में भी की जा रही है। इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।